गोकुल डेम्बी हूँ. आई बिलोंग टू J&K स्टेट और इस फील्ड में मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से ही पास आउट किया था 1963 अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स हियर जो दिस के नाम से हैं. इन्हें वे एक इकट्ठे जिया, बहुत क्लोज यूनिट रहे हम ये 6 दोस्त और इकट्ठे उठना, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे काम करना. तो फर्स्ट हमने वो 61-62 से शुरुआत की थी यहाँ पर एग्जीबिशन करना. उसके बाद ग्रुप शोज में कभी कुछ कभी इकट्ठे रहे. उस तरह से इस ग्रुप में भी आप ये देखेंगे कि दोस्त एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल सेपरेट बट समहाउ वी आर टुगेदर बोथ वेज स्पिरिचुअली अदरवाइज आल्सो. कुछ ऐसा लगता है कि एक खुशबू सी है कि ये जरा ये लगता है कि ग्रुप है, एक ही लोग है या इनके साथ आपस में कोई ताल्लुक है. नॉर्मली उस जमाने में तो इस तरफ जाना वॉज नॉट फैशन ऑफ द डे. और ऐसा इस तरफ जाना आर्ट की तरफ जाना वही जाता था जो याद है, या तो वो उसको घर में कहते थे ये बेकार का आदमी है, या तो ये कहते थे कि इसको और करना कुछ नहीं आएगा तो यही करता था. तो हिसाब से तो बचपन से ही मैं अपना रंग हाथ काले करता था, रंग करता था और या ड्राॅइंगें वाइंगी बनाया करता था. और लेटर ऑन मैं दिल्ली आया और दिल्ली में फिर मैं कमर्शियल फील्ड में यहाँ आया था, करता था वो जो बैनर पेंटिंग खासी जो सिनेमा बैनर बनाया करता था कुछ देर तक के लिए. फिर रेगुलर कॉलेज में आ गया. उसके बाद में फिर मैं इसी फील्ड में रहा एज ए टीचर एंड एज एन आर्टिस्ट रेगुलर. नहीं, बेसिकली जो मेरा लैंडस्केप था वो भी इसलिए नेटिविटी की जो कश्मीर जो है इज ए फुल ऑफ लैंडस्केप, सुंदर सा लैंडस्केप है. तो वो इन्फ्लुएंस मेरा बराबर रहा है और आजकल भी फिगरेटिव में देखेंगे कि बैकग्राउंड में या कहीं ना कहीं से वो लैंडस्केप की एटीट्यूड आता है. मगर फिगरेटिव इसलिए है कि क्या कहें कि मेरे सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, मेरे पास बड़े कोई ज़्यादा खासा सब्जेक्ट नहीं होते. सिंपल सब्जेक्ट जो कि हमारे आस पास के जो है, एक जैसे कि हमने एक तस्वीर है या यहाँ पास ही एक सेलर्स है, ये वुमेन सेलर्स हैं. तो ये आम फैम मतलब कश्मीर में होते थे, वो मछलियाँ बेचने वाली आती थी या कुछ कहीं पर बैठती थी बेच देती थी. अदरवाइज आल्सो मैंने बहुत, ये तो खैर शो की पेंटिंग्स हैं बट मेरे पास क्वाइट अ नंबर ऑफ कलेक्शंस हैं. मैंने अंडर दी ये जो सीनियर फेलोशिप के अंदर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है ऑन त्रिकाशास्त्र, जिसे कश्मीर में बेस्ड है त्रिकाशास्त्र शैविज्म के बारे में. त्रिकाशास्त्र पर मैंने ऑलमोस्ट 72 वर्क्स की हैं. तो वहाँ पर भी फिगर है बट दोस्त टोटली फिलोसफिकल आर्ट, थोड़ी ग्रामर बेस्ड. तो इसी तरह से बाकी ग्राफिक्स भी मैंने किया है, स्कल्पचर भी मैंने किया है. तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एटीट्यूड डिफरेंट देख लेंगे टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. पेंटिंग प्लान तो नहीं की जाती है, मतलब टू बी ऑनेस्ट समझे नशा सा होता है कि भाई अब कैनवास सामने रख दिया तो उसे बनाना है. एंड दे इवॉल्व कैनवास में से ये चीज़ें खुद खुद इवॉल्व होती हैं, रादर हमारे ब्रेन में कुछ किस ढंग से होती हैं या किसी कॉन्शियस सेंस में कॉन्शियस में होती हैं वो उसमें दिखती हैं. उसी दिखने के साथ साथ में कलर स्कीम इस्तेमाल करते हैं जैसे जैसे सोचा हुआ. और अब ये कि एक फैसिनेशन होती है मेरे पास, तो ये जो एक सुफियान ढंग के कलर्स होते हैं देन पर्टिकुलरली ग्रीन्स ब्लूज, तो ये मुझे एमराल्ड्स ये मुझे ज़रा अच्छे लगते हैं. शायद वही है कि हमारी ये कश्मीर वैली में तो इस किस्म के कलर बहुत आम फैम है, शायद इस वजह से इनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर है. बाकी